सबको जय मसीह की। जय मसीह की। और फर्स्ट आई ग्रीट यू ऑल इन द मेजर नेम ऑफ अवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, हु हैज गिवन मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी और द प्रिविलेज टू बी विथ यू हियर इन दिस जूम प्लेटफॉर्म विच इज गोइंग ऑन बिहाफ ऑफ अवर होली सेंचुरी मिनिस्ट्री। सो आई थैंक गॉड वंस अगेन, एंड ऑल्सो I would like to give thanks to dear mummy and dear sister and all the participants and the Holy Century family. Because though I am nothing or I am unable, but in God I am something and in God I am able for everything. So that's what I do feel. And because of that reason only, maybe it is the will of God who has given me unexpectedly the wonderful privilege, the wonderful time to say His word or to say His living word among His people. So I'm so glad and I'm so happy for that. So without wasting my time, let I should go ahead for the short meditation or for the short message. So shall we turn our holy scripture to read some scripture person. So that is book of Luke chapter 12 uska verse number 34. So let me read out for you in English. So in this chapter 12, verse 34 says, "For where your treasure is, there your heart will be also." So मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यीशु मसीह ये हमें पूछ रहा है, तो इसका मतलब हम अगर डीपली जाएंगे तो ये जो वचन है, ये जो वर्ड ऑफ गॉड है, तो ये हमारा वर्ल्ड का मतलब ये दुनिया का चीज का बारे बता रहा है कि यहाँ पे ये लिखा गया है कि अच्छी रीति से। देखो यहाँ पे फिर से मैं दोबारा आप लोग के लिए पढ़ूंगा, यहाँ पे ये लिखा गया है, "For where your treasure is, there your heart will be also." So इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये जो दुनिया है, ये बेशक हमारा जो जिंदा खुदा है और हमें जो खुदा बनाया है और आज हमें जो खुदा इलेक्ट किया है और हमें जो खुदा आज बुलाया है, तो उसी खुदा से बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे प्यारों, ये दुनिया आज किसका बिलोंग करता है, ये हमें ध्यान से सोचना चाहिए, ये हमें ध्यान से अपने आप को अंडरस्टैंडिंग होने के लिए कोशिश करना चाहिए। क्योंकि ये जो दुनिया है आज, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस दुनिया में हम इधर उधर भटक रहे हैं, जिस दुनिया में हम और कुछ सोच रहे हैं और लाइव होके हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना खुदा के लिए कुछ करने के लिए, ये दुनिया बेशक हमारा खुदा से बना हुआ है, लेकिन ये दुनिया हमारा खुदा का नहीं है। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ये खुदा का नहीं है, खुदा का है, लेकिन ये हमारा खुदा से जरूर बना हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल ये शैतान का अंडर में है और शैतान उसको रूलिंग कर रहा है और शैतान उसको क्या कर रहा है, कब्जा में रखा हुआ है और शैतान का बन चुका है इस दुनिया, इस वर्ल्ड में और इस मोमेंट में, इस डे टू डे लाइफ में। तो इसलिए मेरे प्यारों,
खुदा का वचन हमें यह कह रहा है कि हमारा जो ट्रेजर है जहां पर, तो वहीं पर हम क्या कर सकते हैं, मतलब अपना जो मन, अपना जो ध्यान, अपना जो मेडिटेशन, अपना जो सोच है, हम सब कुछ वहीं पे रखते हैं। तो इसका मतलब हमें यही समझना है, अगर हम सच में खुदा का बंदा और बंदी और खुदा का बेटा या बेटी हैं, तो हमें एक बात ध्यान में रखना है कि ये दुनिया जो है हमारा नहीं है। इसलिए उस दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को और अपने बंदे को, अपने प्यारे को बोल के भी गया है कि मैं जा रहा हूं आप लोग के लिए, मैं प्लेस जो है रहने के लिए वो मैं अरेंज करूंगा और बंदोबस्त करूंगा। तो मेरे प्यारों, अगर ये दुनिया शैतान का है, हमें यह बात समझना चाहिए कि जब शैतान का दुनिया यह है और हम परमेश्वर का जो बच्चे हैं, हम परमेश्वर का जो लोग हैं, हम परमेश्वर से जो चुना गए हैं और परमेश्वर जिन जिन को बुलाया है और इस दुनिया में रख के अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो ये शैतान, मैं बोल सकता हूं जरूर, कभी भी उनको आराम से रहने के लिए नहीं देगा, कभी भी उनको सांस से जीने के लिए नहीं देगा, कभी भी उनको आराम से आगे बढ़ने के लिए नहीं देगा, क्योंकि जो खुदा आज हमें बुलाया है, उसी खुदा को अगर उसने इतना तकलीफ दिया है, इतना परेशान में डाला है, उसको इवन बच्चन का साथ भी उनको डिस्कशन किया है, तो हम कौन होते हैं? तो मेरे प्यारों, इसलिए अगर हम देखेंगे और भी आगे, हम जानते हैं अच्छी तरह कि ये दुनिया हमें सिर्फ सिर्फ वो मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए चाह रहा है, डिस्ट्रॉय करने के लिए चाह रहा है, हमें आगे बढ़ने के लिए नहीं देगा। तो और भी एक वचन हम देखेंगे कि इसी चैप्टर में, लूक चैप्टर 11 का 23 में ये लिखा गया है, वहां अगर हम देखेंगे, ये भी देखो मैं पढ़ रहा हूं आपको लोग के लिए, He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters। देखा, यहां पे ये लिखा गया है कि मतलब जो कोई भी ये पर्टिकुलरली किसी एक बंदा या किसी एक पर्सन को या किसी भी एक को अपॉइंट करके नहीं बता रहा है, लेकिन यहां पे लिखा गया है जो कोई भी, अगर हम उसका साथ नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब होता है कि उनका अगेंस्ट में हम जा रहे हैं, और अगर उनका साथ रहकर हम अगर उनके लिए कुछ फ्रूटफुल नहीं होंगे और उनके लिए हम कुछ मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो हम कैसे हैं, हम उसका साथ छोड़ के हम पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए ये सब चीज हमें कब होगा, जब हम इस दुनिया में रहेंगे, जब इस दुनिया को अपना समझेंगे, जब इस दुनिया हमारा बल्कि हम अपना मुंह से पुकारेंगे और अपने जो खुदा है उनको अगर हम सही रीति से पहचान नहीं पाएंगे, तो तब तब ये सारे चीजें जो है खुदा अपनी वार से हमें बता रहा है, वो हमारा जिंदगी में जरूर हम देखेंगे और जरूर हमारा जिंदगी में वो मतलब फुलफिल होने वाला है। तो इसलिए वचन हमें ये भी कह रहा है कि 12 का अगर 20 में हम देखेंगे,
कि इस दुनिया का जो रिचेस्ट मैन है, इस दुनिया का जो रिच लोग है, उनको खुदा क्या पुकार रहा है और क्या बोल के प्रनाउंस कर रहा है, मतलब उनको क्या कह रहा है, वो भी हम थोड़ा पढ़ लेंगे। 12:20, 12:20 में ये लिखा गया है, बट गॉड सेड टू हिम, फूल, दिस नाइट योर सॉल विल बी रिक्वायर्ड ऑफ यू, देन हूज विल दोज थिंग्स बी विच यू हैव प्रोवाइडेड। देखा, यहाँ पे ये लिखा गया है, हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम इस दुनिया के हैं और अगर हम इस दुनिया में रह रहे हैं, अगर दुनिया को हम सब कुछ समझ रहे हैं और दुनिया को अपना रहे हैं, तो खुदा हमें ये कह रहा है कि अगर इस दुनिया का जो रिचेस लोग है, इस दुनिया का रिचेस में अगर हम इन्वॉल्व हैं, तो खुदा हमें यही मतलब एक आइडेंटिफिकेशन की जैसे दे रहा है कि अगर इस नाइट को, अगर इस रात को अपना जो लाइफ है वो अगर मैं ले लूंगा, या तो वो आपसे छोड़ के चला जाएगा, तो आपका क्या बेनिफिट है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने हमें ये एक सब इन्वॉल्व करके बोल रहा है कि हे, मतलब ओ फूलिश, तो इसीलिए मेरे प्यारों, जब खुदा हमें ये सब कुछ बता रहा है कि हमें समझने के लिए, और हमें समझना भी जरूरत है, और इसी बुक में भी लूक उसका 9:62 में भी हम देखेंगे खुदा का वचन हमें क्या कह रहा है। तो आप लोग के लिए मैं उसको भी पढ़ के सुना दूंगा। तो 62 में ये लिखा गया है, बट जीसस सेड टू हिम, इसने कहा, यीशु ने उनको कहा, नो वन हैविंग पुट हिज हैंड टू द प्लो एंड लुकिंग बैक इट्स फिट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। देखा, यीशु ने उन्हें कहा कि बोल रहा है, ऐसा कोई भी एक व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी एक बंदा नहीं है जो कि अपना फ्लो का ऊपर हाथ रख के वो पीछे देखेगा, वो पीछे मुड़ेगा। क्योंकि मेरे प्यारों, आजकल जब हम देखेंगे इस दुनिया में जो भी फार्मर लोग होते हैं, जो भी खेती में काम करते हैं, खेती में जब हल चलाने के लिए जाते हैं, तो जब हल को वो पकड़ते हैं, वो जो फ्लो को पकड़ते हैं, अगर वो फ्लो को पकड़ने के बाद वो अगर पीछे मुड़ के देखेगा तो क्या भगतना पड़ेगा, ये हम अच्छा रीति से जानते हैं। तो इसीलिए हमारा यीशु मसीह भी हमें यही बोल रहा है, अगर कोई भी अपना फ्लो का ऊपर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखेगा तो इसी तरह मतलब प्रॉब्लम में फंसेगा, इसी तरह मतलब प्रॉब्लम में डूब जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, दो हमें खुदा ने बनाया है, इस दुनिया में रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा इस दुनिया के हैं, हम खुदा के हैं। तो हम खुदा का वचन में, हम खुदा का इलेक्शन में, हम खुदा का बुलाहट में हम खड़े हैं, हम उनका ऊपर हाथ रखे हैं और उनका साथ हम है। तभी भी अगर हम इस दुनिया का जो मतलब थिंग्स है, इस दुनिया का जो चीज है, उनका ऊपर हमारा मन को दे देंगे, उनका ऊपर हमारा सोच को रख देंगे, उनका ऊपर हमारा जो मतलब आइज को हम रखेंगे, तो हमारा लाइफ भी ऐसे हो जाएगा जैसे एक बंदा फ्लो का ऊपर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखने का बाद उनका परिणाम मतलब उनका जो सिचुएशन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो सेम हमारा जिंदगी भी हो जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारों, हम इस दुनिया में होकर भी
हम इस दुनिया का नहीं है। तो हमें ये सोच हमारा दिमाग में रखना है और इस वचन पे हमें सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया कभी भी हमें सुख नहीं देने वाला है, दुनिया कभी भी हमें आगे बढ़ने के लिए नहीं देने वाला है, खुदा का काम के लिए दुनिया कभी भी हमें नहीं बचाने वाला है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये शैतान का है। अभी शैतान का रूलिंग इस दुनिया में है, तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब यह है, अगर इस दुनिया हमें इतना कुछ करने के लिए जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि वचन हमें यह कहता है कि जो कि हम देख पाएंगे, मतलब बुक ऑफ जॉन उसका 12:24 में हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि फ्रूट का बारे वचन हमें ये कहता है, क्योंकि खुदा हमसे कुछ चाह रहा है आज, खुदा हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है आज, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल बने, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट दें उनके लिए। तो मेरे प्यारों, अगर एक एग्जाम्पल की तरह मैं बोलूं, एक ट्री अगर कुछ फ्रूट दे रहा है, वो फ्रूट जब नीचे गिरने तक वो क्या है, जिंदा रहता है, और नीचे गिरने के बाद वो क्या हो जाता है, बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है। और जब तक एक फ्रूट स्पॉइल नहीं होता है, जब तक एक फ्रूट मतलब अपना लाइफ को स्पॉइल नहीं करता है, तब तक वो बहुत सारे मतलब पेड़ को खड़ा नहीं करेगा, बहुत सारे पौधे को खड़ा नहीं करेगा। देखो खेती में भी जब हम बीज को फेंकते हैं, तो वो बीज क्या होता है, अपने आप को नष्ट हो जाता है, वो बीज बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने के बाद एक ही बीज से बहुत सारे पौधे वगैरह आ जाता है। तो ऐसे ही इस दुनिया में खुदा हमें एक बीज बना के, एक मतलब बीज जैसे करके इस दुनिया में छोड़ा हुआ है, इस दुनिया में भेजा हुआ है। तो इस दुनिया में अगर हम फ्रूटफुल बनना है, तो हमें क्या होना चाहिए, अपने आप को हमें स्पॉइल करना चाहिए। इसके मतलब मैं ये नहीं कह रहा है कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसको हम स्पॉइल कर देंगे, नहीं, हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है, इस वर्ल्डली लाइफ से टोटली हम अलग होना चाहिए, और हमारा जो वर्ल्डली लाइफ है, इस वर्ल्डली लाइफ को हम बिल्कुल खत्म करना चाहिए और हमें स्पिरिचुअल लाइफ में आगे जाना चाहिए। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे जाएंगे, तब जाके हमें क्या होगा कि हम एक फ्रूटफुल सर्वेंट, या तो फ्रूटफुल डियर्स, या तो फ्रूटफुल सन, या तो फ्रूटफुल डॉटर, या तो फ्रूटफुल फ्रेंड्स, या तो फ्रूटफुल जो कुछ भी खुदा हमें बुला सकता है, उसी हिसाब से खुदा हमें बुलाएगा और हम बन सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारों, आज अगर हम दुनिया में हैं, हम दुनिया का नहीं है, तो इसीलिए दुनिया को छोड़ के हम हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमारा इस दुनिया का जो लाइफ है उसको हम नष्ट करके हम खुदा का लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और फ्रूटफुल होने के लिए कोशिश करेंगे। तब जाके खुदा हमारे लिए एक ब्लेसिंग होगा और हमारे लिए सब कुछ, मतलब जो कुछ हमारे लिए रख चुका है, मतलब जो कुछ हमारे लिए रखा हुआ है, तो वो सब हमें बेनिफिट होगा। क्योंकि इस दुनिया का जो चीज है, ये सिर्फ एक टाइम के लिए हमारे लिए है, लेकिन खुदा ने हमारा लिए जो बना के रखा है, और खुदा ने हमारे लिए जो प्रिपरेशन करके रखा हुआ है, तो वो चीज हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए। तो ये छोटा सा वचन में खुदा आपको और मुझे आशीष दे। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे साथ सिस्टर नसरीन है, वो अगर हमें सुन रही है तो हम उनके साथ मिलकर काम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे।